हेलो गाइस, वेलकम टू नेट दीक्षा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कोई भी मोबाइल से शूट किया गया हुआ वीडियो फुटेज का बैकग्राउंड कैसे आप ब्लर कर सकते हो। आपको पता होगा बैकग्राउंड ब्लर करना जो है वो DSLR का काम है, मोबाइल का नहीं। मोबाइल से सिर्फ आप अगर फोटो अगर खींचते हो तो फोटो खींचने का टाइम बाई डिफॉल्ट बहुत सारा मोबाइल में आप ऐसा फिल्टर आ रहा है जिसका बैकग्राउंड आप ब्लर कर सकते हो। अगर बात करें वीडियो का तो ये काफी मुश्किल काम है मोबाइल से। तो गाइस, मैं आज एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल और इजी है यूज करना, आपको मैं बता दूंगा नाम वगैरह। और इसके लिए मैंने एक पहले से इसका वीडियो बना के रख चुका हूँ, वो वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं कोई भी वीडियो फुटेज का बैकग्राउंड ब्लर, चाहे वो मोबाइल से शूट किया हो या फिर कोई दूसरा कैमरा से शूट किया गया हो। तो गाइस, ये सॉफ्टवेयर का नाम है साइबर लिंक कलर डायरेक्टर, जो मेरे पास है। अभी देखिए, ये है इसका इंटरफेस। यहाँ पे हम मैं कुछ इंपोर्ट करने वाला हूँ वीडियो क्लिप, तो उसके लिए सिंपली करना क्या है, आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जगह फाइल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। मेरा तो यहाँ से मैं वीडियो उठाया और यहाँ पे सिंपली किया ड्रैग, उसके बाद यहाँ से भी इसको ड्रैग करके लाऊंगा टाइम लाइन पे, उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए ओके। तो गाइस, उसके बाद ये जो ये वीडियो फुटेज है काफी लंबा है, तो इसको मुझे करना है ट्रिम। ट्रिम करने के लिए जाना है आपको एडिट पे, एडिट पे के क्लिक करना है ट्रिम पे, तो इतना कर देता हूँ, उसके बाद करता हूँ ओके। तो गाइस, ये वीडियो जो है ट्रिम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अभी इसको करना है बैकग्राउंड ब्लर, आपको जाना है एडजस्टमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, मैनुअल और फ्री से। ग्लोबल एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये फोटो का बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है, तो इसको थोड़ा और ब्राइट कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे ब्राइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप ऐसा कर सकते हो। तो चलिए, मैं इतना तक ठीक है, आप आपके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग मास्क और भी कोई ऑप्शन है, तो अभी फिलहाल मैं यूज करने वाला हूँ मोशन ट्रैकिंग मास्क का। तो सिंपली करूंगा इसमें क्लिक, देखिए यहाँ पे मैं देखा तो ये ब्रश आप देख सकते हो, इसका जो साइज अभी यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हो, तो मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। उसके बाद आपको ये वीडियो फोटेज में पहले चला के देखाता हूँ इसका बैकग्राउंड ब्लर है कि नहीं है, ताकि आप यकीन कर सके। तो चलिए वीडियो को मैं कर दिया प्ले, देख सकते हो इसका जो बैकग्राउंड है आपको घर के अंदर सारी चीजें दिख रहा है जो भी इसका पीछे है, तो हम इसको करेंगे अभी ब्लर। तो चलिए, उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, अभी देखिए ये ब्रश ले लिया और ऐसा करके मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेरा बॉडी का। अभी इतना सिलेक्ट हो गया इसको सर के, ये सारे चीजें अभी ये ब्लर हो जाएगा, तो कर लेना है ओके। ओके करने के बाद अभी देखिए थोड़ा सा साइड यहाँ ज्यादा सिलेक्ट हो गया, तो उसको अभी एरेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये एरेस्ट टूल उठाएगा और रेस कर लीजिएगा इस टाइप से, अभी थोड़ा ठीक है। उसके बाद गाइस इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे करना है स्टार्ट मोशन पे क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये शुरू हो गया अभी प्रोसेस। तो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा साइड ज्यादा जा रहा है, तो इतना मुझे नहीं लेके आना, मेरा बॉडी तो भी करना है। तो मैं सिंपली अगेन इसको पश करूंगा, पश करने के बाद यहाँ पे मेरा जो एरेजर टूल है ये सिलेक्ट है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसा एरेज कर लूंगा। तो अगेन जितना मेरा बॉडी है उतना है सिलेक्ट है, उसके बाद अगेन इसको फिर प्ले करूंगा, तो फिर आगे ने प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ऐसा करके पूरा क्लिप जो है आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा, जब भी आपको लगेगा जो ये बाहर जा रहा है तो आप पश करके उसको मेजरमेंट कर सकते। तो गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अगेन पश। पश करने के बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कुछ देख रहा है मेरा टी शर्ट के ऊपर, उसके लिए अगेन ब्रश ले लूंगा। ब्रश को लेकर मैं अगेन करूंगा सिलेक्ट, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं इसको प्ले। तो गाइस इससे क्या होगा, जो हमारा बॉडी से अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ हूँ उतना ही अभी देखेगा, बाकी जो पीछे का साइड वो ब्लर हो जाएगा। तो चलिए, ये पूरा क्लिप लंबा टाइम लगेगा, तो चलिए मैं इसको करता हूँ इतना ही तक स्टॉप। तो यहाँ पे कर दिया मैंने पॉज। पॉज करने के बाद मैं कर्सर को स्टार्टिंग में लेके जाता हूँ। जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अपना बॉडी शोर के चारों तरफ जो है हल्का सा रेड कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब वो एरिया सिलेक्ट हो चुका है। तो आप उसके बाद हमें यहाँ पे करके नीचे जाना है और यहाँ पे ब्लर का जो है टूल हमें मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हो ब्लर का टूल है ये ब्लर यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कितना ब्लर करना है आपका बैकग्राउंड वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके हिसाब से आप कर सकते हो। तो चलिए मैं इतना कर दिया है, ठीक है। आप फिर से क्लिप को मैं चला के दिखाता हूँ, जहां तक हमने ब्लर किया है वो पूरी तरह आपका जो पीछे वाला चीज है ब्लर हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लर हो गया है, जहां तक अभी ब्लर नहीं किया इस फुटेज का आधा हमने ब्लर किया आधा नहीं किया, तो जहां तक नहीं हो वहां पे आप देख सकते हो पूरा बैकग्राउंड में जो भी चीजें है वो क्लियर दिख रहा है। तो आपको जैसे ही पूरा हो जाएगा आपका ब्लर, उसके बाद आपको करना है इस प्रोडक्शन पे क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका लोकेशन सेट कीजिए, यहाँ पे आपको सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे आके H264 MP4 सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर सिलेक्ट नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे आके 1280x720 उसके बाद क्लिक करना है आपको स्टार्ट पे। तो देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका शुरू हो गया प्रोडक्ट मूवी, यहाँ पे 100 तक जाएगा। तो मैं थोड़ा वीडियो करता हूँ फर्स्ट। तो गाइस ये ऑलमोस्ट हो गया है, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा इसका बैकग्राउंड जो है ब्लर हो चुका है। तो गाइस अगर वीडियो देख के आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।